जिलों में बसे कश्मीरी विस्थापित परिवार 6 साल से सहायता राशि का इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरी विस्थापितों को दी जाने वाली सहायता राशि में केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग नियम सामने आ रहे हैं। केंद्र की ओर से जहां आज भी विस्थापितों को 13,000 बतौर सहायता राशि दी जा रही है, तो वहीं राजस्थान में पिछले 6 साल से पैकेज को बंद रखा गया है। जयपुर में करीब 57 से ज्यादा कश्मीरी विस्थापित परिवारों को अपनी सहायता राशि का इंतजार है, ताकि उनके घर का गुजारा हो सके। राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में ऐसे विस्थापित परिवारों को बतौर 13,000 रुपए सहायता राशि दी जा रही थी, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग का तर्क है कि 10 साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले कश्मीरी विस्थापित अब राजस्थान के ही मूल निवासी हो गए हैं, उन्हें विस्थापित नहीं कहा जा सकता है। हिंदुस्तान के हर स्टेट में सबको माइग्रेंट का ही दर्जा दिया गया, इवन राजस्थान गवर्नमेंट ने भी हमको माइग्रेंट का स्टेटस दिया है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जो हमको जो हमारे बच्चों के जो एडमिशन्स होते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में, जिसमें हम सर्टिफिकेट देते हैं, वो राजस्थान सरकार की ही होती है। जब हम माइग्रेंट हैं, हमारा अभी जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं हुआ, वो सेटल नहीं हुआ, तो हम लोग डोमिसाइल कैसे होते हैं? हम वहाँ से उनको हमें भगाया गया वहाँ से, और यहाँ अभी तक जो पिछले 30 साल से हम यहाँ जूझ रहे हैं अपने लाइफ से, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो बाकी स्टेटों में मिल रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहे? हमने कोई चोरी की है, कोई गुनाह किया है? तो हम डिजर्व करते हैं, हमें दीजिए। कश्मीरी विस्थापित हिंदू समिति के राकेश हांडू का कहना है कि हमारा सवाल है कि पूरे देश में हम विस्थापित हैं, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं मान रही है? एक साइड से यही राजस्थान गवर्नमेंट हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट्रेट से इशू करती है, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, तो वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम 10 साल में हो गए तो हम तो फिर माइग्रेंट है नहीं? तो इनका ये खुद का ही स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, खुद का ही एक ही सरकार हमें ये भी बोल रही है एक तरफ से कि आप माइग्रेंट हो, सर्टिफिकेट इशू कर रही है, और वही गवर्नमेंट बोल रही है हमें 10 साल हो गए यहाँ पे। बहरहाल पूरे मामले को लेकर अफसर मौन है, कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। फाइलों में दफन सर्कुलर को निकाला जा रहा है, आखिर क्यों इनकी राशि पर ब्रेक लगा हुआ है? सरकार से मार्गदर्शन मांगने की भी अफसर बात कह रहे हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।